उत्तराखंड की लोक भाषा पर आधारित गढ़वाली फिल्म मेरू गो का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मेयर, सूचना महानिदेशक, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेकी सहित कई फिल्मी कलाकार मौजूद रहे। देहरादून के एक निजी सिनेमा हॉल में फिल्म का विमोचन किया गया। कार्यक्रम को सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि फिल्म में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक भाषा और पलायन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। बता दें कि फिल्म में पलायन और परिसीमन के मुद्दे को दर्शाया गया है। किस तरह की मूवी है और क्या संदेश है आपका, क्या करना है? मेरू गांव मूवी जो है एक पारिवारिक मूवी है, साथ के साथ ये एक मैसेज देने वाली मूवी भी है। और इसमें कई हमारे उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, जिस तरह से पलायन ले लीजिए या परिसीमन का मुद्दा हो गया, ये मुद्दे इसमें उठाए गए हैं कि आखिर जो पलायन है वो क्यों हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि पलायन नहीं करना चाहिए, ये सबको गाँव में ही रहना चाहिए, लेकिन इस फिल्म में हमने ये दिखाया गया है कि ऐसे क्या कारण है कि इंसान को मजबूर होना पड़ता है वो पलायन करने के लिए, क्योंकि कोई अपनी खुशी से नहीं होता है, उसे इतनी मजबूरी हो जाती है कि उसे अपने फैमिली के लिए पलायन करना ही पड़ जाता है। और एक तरफ तो जहाँ ये हमारे दर्शकों का मनोरंजन करेगी और साथ ही साथ हमारी लोगों को, अपनी जो है पीढ़ियों को अपनी भाषा से, अपनी परम्परा से जोड़ने का भी काम करेगी, और जो है अतीत के उन जो है दृश्यों को दिखाया गया है और अभी तक के जो अभी की स्थिति है उन सभी को यहाँ पे दर्शाया गया है, और बहुत ही सुंदर जो है निर्माण इसका हुआ है। मैं प्रोड्यूसर और हमारे सभी एक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है और उत्तराखंड की जो हमारी पलायन की समस्या है, इस पिक्चर के माध्यम से दिखाई गई है। और पलायन ना हो इसके लिए भी इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं, निश्चित रूप से ये पिक्चर जो बनी है, जो इसके निर्माता हैं, जो इसके कलाकार हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर ये बनाई है। इसमें सभी चीज़ें हैं, इसमें जो है पहाड़ का दर्द भी दिखाया गया है और भरपूर मनोरंजन भी इसमें किया गया है।